जब कुछ नहीं बचा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। हमें आपका विरोध करना है, आप हंसोगे तो विरोध करेंगे, देखो हंस रहे हैं, आप रोगे तो विरोध करेंगे, देखो रो रहे हैं। मतलब जिनका काम ही है उनका विरोध काम ही करना वही है। है। वो पता नहीं कि ये ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे चलते हैं और पीछे देखते हैं ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। क्या तुलसीदास जी की व्याख्या स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं? भाई वोट कोई दे नहीं रहा है, किसी तरह से हमें लोगों की सहानुभूति मिल जाए, हम उन्हें ये बताएं कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम बचाएंगे। अरे अपने आप को बचा लो, स्वयं की तो सीट बचा नहीं पाए, चुनाव हार गए। तो लोकप्रियता जब घटने लगती है तो लोग इस तरह की घटने बातें करते हैं। देखिए इन लोगों के पास अब मुद्दे नहीं। हिंदुओं ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, सबको मालूम है सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टियां होती थी। कभी किसी हिंदू ने कहा हो कि ये क्यों होता है? नहीं कहा। तब सरकार, तब अखिलेश यादव को याद नहीं आया था कि नवरात्रि भी होती है, हम भी ऐसा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद 70 सालों में पहली बार किसी सरकार ने हिंदुओं के लिए इस तरह का निर्णय लिया। स्वागत है इसका। हम ले चलेंगे आपको बागेश्वर धाम MP में ले चलेंगे, जहाँ के आप धीरेन्द्र के शास्त्री को जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनको लेकर के किस तरह से लोगों ने बड़ा विरोध किया? मानसिक शक्तियाँ होती हैं, आप अपने अंदर जगा सकते हैं। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखी, ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लिखी। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में पंचवटी से श्रीलंका तक का जो शॉर्टेस्ट रूट बताया है, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं रामायण में, कोई संशय छोड़ा ही नहीं, हर चीज का उसमें जवाब है। वो आज भी शॉर्टेस्ट रूट है पंचवटी से श्रीलंका। अब वाल्मीकि जी तो कहाँ बैठे थे, उन्हें कैसे पता? तो एक आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी इंटरनल पावर होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक जो सबसे ज्यादा मुद्दा अगर हम कहें कि गर्म है तो वो है रामचरितमानस को लेकर के, क्योंकि इसकी शुरुआत की स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि सपा के नेता हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो शूद्रों का या फिर महिलाओं का या फिर नीची जातियाँ जो हैं उनका अपमान करती हैं। इस बिना पर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, जिसके बाद जगह जगह पर रामचरितमानस की कई प्रतियां जलाई भी गई। आप लोगों ने भी अखबारों में, न्यूज़ में सब देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन ये मुद्दा थोड़ा शांत होता उससे पहले यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फरमान जारी कर दिया, एक आदेश दे दिया कि इस नवरात्र में क्षेत्रीय स्तर पर जिलेवार तरीके से जो जो भी शक्तिपीठ है क्षेत्र के, वहाँ पर सप्त शक्तियों का जो पाठ कराया जाए, रामनवमी के दिन रामायण का पाठ कराया जाए और तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। वहाँ पर सरकार ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी बात कही है। इस मुद्दे पर भी विवाद छिड़ गया कि सरकार किसी धर्म विशेष को लेकर के बढ़ावा दे रही है और लोगों को कहीं ना कहीं इस पे एक माहौल गर्म करने का मौका मिल गया। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य राजेश तिवारी जी, जो कि एक अध्यापक हैं। उनसे बातचीत करने चल रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो सरकार का निर्णय है वो सही है या गलत है। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सर से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ। सर, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला कि जो रामचरित मानस है उसे बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये किसी जाति विशेष को लेकर के टिप्पणी करता है या शूद्रों के खिलाफ है या महिलाओं के खिलाफ है, इस बिना पर उन्होंने कहा कि बैन करना चाहिए इस ग्रंथ को, आपकी क्या राय है? सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या तुलसीदास जी की व्याख्या स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी जिन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसने उस समय जब मुगल सल्तनत थी तो भारत के लोगों को एक सहारा दिया, जीने की एक आस्था दी, अपने विश्वास को बनाए रखा,
एक ऐसा ग्रंथ, उसको एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे ख्याल से शायद कोई किताब ही नहीं लिखी होगी, वो उसकी व्याख्या करता है। दूसरी बात कि जिस चीज के लिए ये कह रहे हैं उसको ये समझ नहीं रहे। इन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, बिल्कुल, ये अवधि में लिखा गया। और अवधि सबको पता है, ये रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है, ठीक है। तुलसीदास जी सक्षम थे, उसे चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे। रामचरितमानस में लिखी हुई बहुत सी चीजें हैं जो आज भी लोग उनको उपासना के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो करते हैं। जैसे उन्होंने रामचंद्र जी की स्तुति लिखी, श्री रामचंद्र कृपाल भुजमन हरण भवे दारुणम, या शिव जी की स्तुति लिखी है, नमामि शमीशान निर्माण रूपम। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना सक्षम हो, क्या वो इस तरह की बात लिखेगा? नहीं। दूसरी चीज कि ये जो चौपाइयां हैं ये उस समय की हैं जब भगवान राम ने अपने धनुष को निकाला, उस पर बाण चढ़ाया और कहा कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा अगर ये अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा। तो समुद्र याचक बन के आए, और वो भी तीन दिन तक कहा जाता है कि उन्होंने प्रार्थना की कि हमें रास्ता दीजिए, प्रार्थना की कि रास्ता दीजिए। तो जब याचक बन के कोई आएगा तो क्या वो आपसे ये कहेगा कि हमें ऐसे ही मारो जैसे ढोल को पीटा जाता है? ये तो संभव ही नहीं है। जब याचक कोई होगा तो वो इस तरह की बात करेगा कि हमें किसी तरह से भाई जो गलती हुई या जो भी चीजें हैं क्षमा याचना करना है, तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि आओ आओ हमें मारो, नहीं कहेगा। तो वहां पर इन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब अवधि में, ताड़न का मतलब होता है देखना, देखभाल करना। ढोल वाद्य यंत्र है, ठीक है। ढोल एक ऐसा वाद्य यंत्र है, अगर इसकी ठीक से देखभाल ना की जाए तो ये फिर बसता नहीं है। गंवार जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति, इनको देखभाल की जरूरत है। बिल्कुल। शूद्र, अब यहाँ पे शूद्र के लिए बहुत सी चीजें, हाँ, यही एक जो सबसे, हाँ, बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा था है। कि शूद्र को लेकर के और महिलाओं को लेकर के एक मुद्दा बनाया गया कि ये ग्रंथ जो है जाति विशेष या फिर महिलाओं के खिलाफ, वर्ग विशेष के लिए कहता है। तो हालांकि शूद्रों के लिए अम्बेडकर जी ने भी लिखा है अपनी किताब में कि जो शूद्र इस समय वर्तमान में जिनको हम शूद्र कहते हैं ये वो नहीं है जो वैदिक काल में शूद्र, वो अलग है। अच्छा। वैदिक काल में जो शूद्र थे, शूद्र को समाज की रीढ़ कहा गया, इनके बगैर समाज चल नहीं सकता। अब यहाँ पर शूद्र का मतलब है कि जो आपके घर में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, आपके अधीन हैं लोग, उनकी देखभाल करना आवश्यक है। क्योंकि आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो फिर ठीक से काम नहीं करेंगे, उनका भी अपना घर परिवार होता है। और स्त्री, स्त्री घर की, स्त्रियों की जहाँ ठीक से देखभाल नहीं होती है, उन घरों के परिणाम क्या होते हैं ये सब जानते हैं। तो घर में स्त्रियाँ हैं, उनकी देखभाल, देखभाल का मतलब कि उनका सम्मान होना चाहिए, उनको एक व्यवस्थित तरीके से आप अपने घर में स्थापित करें, उनके अनुसार घर चले तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ये चीज़ें वो हैं जिनको देखभाल की जरूरत होती है। तो समुद्र ने भी उनसे यही कहा कि मैं भी इसी तरह से आपके सामने याचक हूँ, मेरी भी देखभाल करिए, और आपने जो मर्यादाएं बनाई थी मैंने उसी का पालन किया। आगे कहानी सबको पता ही है कि फिर उन्होंने बताया कि भाई नल और नील हैं तो वो समुद्र को पार करा सकते हैं। हाँ, वो तो इस तरह की चीजों को जब व्याख्या करने पर लोग आते हैं तो व्याख्या आप किसी भी तरह से करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे भाई वो एक नेता हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, को एक वर्ग उनको फॉलो करता है, तो क्या उनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ और है? उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, उनकी कुर्सी चली गई, अपना चुनाव हार गए और समय की धारा से अलग हो गए, अब कोई उनको नोटिस क्यों करेगा? तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग हमें नोटिस करें। ये सिर्फ न्यूज में बने रहने के लिए,
और इनका कोई आशय नहीं होता है, इनका आश्रय ये आशय ये नहीं है कि ये किसी को किसी का विरोध करना। इतने दिन तक इन्होंने नहीं कहा, इनका कहा हाँ। भाई ये काफी दिन ये से सवाल उठता है कि जब आप सरकार में थे, जब आप सरकार बीजेपी में थे तब भी आपने ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया। अब इनको ये पता है कि इनको नहीं, लगभग सभी लोगों को, भारत में अधिकतर लोगों का यही है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदुइज्म होता है, हिंदू है, क्योंकि हिंदू बहुत सीधा है। कितने देश के लोग आए, जैसे एक पारसी, पर्शिया एक देश था, पर्शिया सबको पता है पर्शिया की कहानी, वहां पे इस्लामिस्ट ने पर्शिया के लोगों को मार दिया, 90-92-93 लोग शायद बचे हुए थे जो भाग के किसी तरह से भारत आए और यहाँ जीवंत हुए। टाटा समूह उसी जो वहां से लोग आए थे उन्हीं लोगों की देन है, और टाटा समूह भारत में फल फूल रहा है, बढ़िया है। और पर्शिया हो गया इराक, खत्म हो गया काम। तो हमारे यहाँ तो जो भी आया हमने उसे पाला पोसा बड़ा किया, हमारे साथ किसी कोई समस्या नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग या इस तरह से बहुत से लोग हैं भारत में, जब इनको राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो ये जाति व्यवस्था पर चला। तो मेरा स्वयं का मानना है कि जाति व्यवस्था तो होनी नहीं चाहिए, जाति व्यवस्था हमको तोड़ती है, हमारी उन्नति को बाधित करती है। जब आप आगे चलते हैं, आप ही गाड़ी चलाते होंगे, बिल्कुल, आप गाड़ी चलाते समय जब गाड़ी चला रहे हैं तो आप आगे देखते हैं पीछे देखते हैं, जाहिर सी बात है, आगे देखेंगे और पीछे देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा। तो ये वो लोग हैं जो लोगों से कहते हैं पीछे देखो, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। भाई आगे बढ़ेंगे तो हम पीछे देख के आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं। पीछे दिखा के मतलब एक फूट डालो और राजनीति, फूट डालो और राज करो। भाई वोट कोई दे नहीं रहा है, किसी तरह से हमें लोगों की सहानुभूति मिल जाए, हम उन्हें ये बताएं कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम बचाएंगे। अरे अपने आप को बचा लो, स्वयं की तो सीट बचा नहीं पाए, चुनाव हार गए। तो लोकप्रियता जब घटने लगती है तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इस तरह की बातें उन्होंने की, जगह जगह पर रामचरित मानस की प्रतियां जलाई गई। रामचरित मानस की प्रतियां किन्होंने जलाई? समाजवादियों ने जलाई, प्रसाद मौर्य के ही लोगों ने जलाई, बाकी किसी ने जलाई? कोई सड़क पर उतरा? नहीं उतरा। लोग जानते हैं कि इनका ये प्रोपोगंडा है, ये समाप्त होने की तरफ जा रहे हैं, और जितना सनातन का विरोध करेंगे ये उतने समाप्त होंगे। तो क्या ये मांग भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सभी जानते हैं। हिंदू कहाँ, हिंदुओं के लिए जगह कहाँ है? पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ हिंदुओं का उद्गम हुआ? अच्छा, आपने जैसे कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो अगर इसको ऑफिशियली घोषित कर दिया जाएगा तो फिर बदलेगा क्या, मतलब अब में और तब में क्या फर्क हो जाएगा? हाँ देखिए, बदलेगा ये कि फिर हमारी पहचान, जैसे घर आपका है, अब कहा जाए ये आपका घर धर्मशाला हो गया, जो आए चला आए, अब उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि तो धर्मशाला है। आपने क्या किया, उस पर आगे बाहर अपनी नेम प्लेट लगा दी, अब ऑफिशियली वो आपका घर हो गया, धर्मशाला नहीं रहा, तो हिंदुस्तान को तो धर्मशाला बना दिया, जो चाहे वो चला है। तो ऑफिशियली जब घोषित करेंगे आप कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, तो आपके घर आने से पहले आदमी एक बार नॉक करेगा, पूछेगा कि भाई हम आ जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहेगा या फिर किसकी सरकार बनेगी? अगर बीजेपी मैदान में आ रही है तो उसका मुद्दा क्या रहेगा? भाई सरकार बनने के लिए तो आप ये समझिए, और कोई दिखता आपको? नहीं कोई।